देखा, हमें बड़ा ही पसंद आया। तो हमें जरा मूवी के बारे में बताएं, क्या है दिल्ली 47, जरा हमें उसके बारे में। ये कहानी है एक जगह की जो कि हमारी राजधानी से 47 किलोमीटर दूर है, और उस जगह पर ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि हमारा राजधानी है उसके पास में, जैसे ड्रग्स का काम हो रहा है और इलीगल वेपन्स बनाए जा रहे हैं और इवन प्रोस्टिट्यूशन, और सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारा सिस्टम और हमारे ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सब लोग। और पर इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है, वो सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है पर वो करना नहीं चाहता, पर कहते ना एक झूठ को छुपाना, इससे बचना, उसके बचने के लिए बस फंसते जा रहे हैं, बस यही है। So, किस तरह का कैरेक्टर आपका इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर, मैं प्ले कर रही हूँ अवनी। अवनी जब शादाब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया अवनी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि डॉली उसमें कहीं भी नहीं है, एक गांव की लड़की है। और अक्सर देखते हैं कि अर्ली मैरिजेस तो होती हैं पर कभी कभी वो आपकी एज से डबल ट्रिपल होते हैं, वो भी होती है, फिर अगर वो ना रहे, अचानक कभी कोई ट्रेजेडी हो जाए, अब आपके बच्चे भी हों, आप तो कहीं इस्टेब्लिश हो नहीं सकते, उन लोगों का क्या होगा, क्या है उनकी लाइफ। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह की फिल्म करने के लिए बहुत एक्टिंग में बड़ी ही पावर की जरूरत होती है, तो किस तरह की प्रिपरेशन की आपने और क्या कुछ करना पड़ा? डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस था कि कहीं शायद मैं कर लूँगी, और मुझे नहीं मालूम था कर पाऊँगी कि नहीं, पर हाँ चैलेंज तो था कि आप जो नहीं हो कभी और आपको वो करना और वो चीज़ें जो ना आप कभी जानते हो ना आपने देखी हैं, चैलेंज तो होता है पर मज़ा तभी आता है जब चैलेंजेस हो। सो आपके पास ये ऑफर किस तरह आया, कैसे आया, आपका रिएक्शन क्या था जब आपने सुना कि आप दिल्ली 47 की कास्ट में लीड रोल्स में, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई थी, कैरेक्टर ऐसा था कि लोग करते हैं जब लोग स्टैब्लिश हो जाते हैं तब इस तरह के जो कि डी ग्लैमराइज हो, पहले भी स्क्रीन पे आना और आपके फेस पे मेकअप भी ना हो, कुछ इस तरह की कॉस्ट्यूम, तो डर लगता है। सो और कहते जब आप डेब्यू कर रहे हो और इस तरह के कैरेक्टर में आते हो डी ग्लैमराइज, तो लोग आपको और भी डराते हैं कि आप आओगे इस तरह के कैरेक्टर में और आप डी ग्लैमराइज, आपको लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे और शायद आगे काम मिलेगा, आप टाइप्ड हो जाओगे। ऐसा होता नहीं है आजकल, आजकल हर कोई सब समझता है, इवन ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो अच्छा बुरा सही गलत क्या है, कहानी की डिमांड क्या है, सब समझते हैं। सो शादाब सर के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा, शादाब एक ऐसे डायरेक्टर है, चलिए हम तो भी एक्टर है थे पर जिसने कभी कैमरा फेस ना किया हो, उसे एक्टिंग बिल्कुल भी ना मालूम हो होती क्या है, वो उससे भी काम करा सकता है, इवन रोड पर चलते इंसान को भी वो यूज़ कर लेगा, और उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है इस फिल्म में। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो एक्टर नहीं है पर उसको क्या, हम फिल्म में सब कुछ नेचुरल चाहिए था, कोई भी ओवर एक्टिंग ना करे या कोई भी चेहरा ऐसा ना हो जो वो कैरेक्टर में ना जा रहा हो, तो कास्टिंग भी उसने उसी तरीके की है। जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको हर कैरेक्टर यूनिक लगेगा, ऐसा लगेगा ये कैरेक्टर इसी लिए ही बना है और ये यही है, इसके अलावा इसका रोल कोई और नहीं कर सकता। बस स्पेशलिटी है फिल्म की, मुझे हमेशा यही लगता है एक भी कैरेक्टर ओवर एक्टिंग नहीं करता, सब अपने कैरेक्टर में 100% देते हैं। कॉन्सेप्ट है और कंटेंट की बात की जाए, फिल्म में एक जैसा कि आपने बताया करप्शन है, नॉल हर चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, कभी आपने पर्सनल लाइफ में कभी रिलेट किया इस चीज़ों को, कभी देखा या कुछ कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ आपके सामने आया जो कि आप हमें बताना चाहें? मैंने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, हाँ न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं पर देखा कभी नहीं। सो आपने देखा होगा कि दिल्ली टाइटल कम से कम बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में भी हैं, तो उन फिल्मों से कितनी डिफरेंट होगी दिल्ली 46 किलोमीटर? 47 किलोमीटर बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, किसी को भी कॉपी नहीं किया है, ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं पहले आपने देखा नहीं होगा, आपको नहीं लगेगा कि अरे ये फिल्म से उठा लिया है या वो लैंग्वेज की रीजनल फिल्म थी वहाँ से उठा लिया है, नहीं, वो स्टोरी जो है वो अपने आप में नई है और कहीं से चोरी नहीं की है। और दूसरा क्या है, आर्टिस्ट भी किसी को कॉपी नहीं कर रहे, ये हम बॉलीवुड किसी स्टार को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ पे आप हार जाते हो जब आप कॉपी करने की कोशिश करते हो।
सर कॉन्सेप्ट देखा जाए दिल्ली 46, जो कि उसमें क्या कुछ रिलेट कर पाते हैं आप, और क्या कुछ मैसेज देती है पॉलिटिशियन को, या जैसा बात करी जाए तो क्या कुछ मैसेज देती है? मैसेज यही है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन आपके पास होगी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। जो और अर्ली मैरिजेस जो होती है उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है, इवन पर्सन जो जो उसमें सफ़र करता है उसका क्या होता है। मेन चीज़ है एजुकेशन, और सब लोग इसमें इसीलिए एक ही आदमी की बातों में आते, क्योंकि सब लोग एजुकेटेड कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं, लास्टली क्या कुछ एक्सेप्ट करते हैं? आप ये फिल्म देखें, ज़रूर देखें, एक बार देखें, आपको पसंद आएगी, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बस एक बार जाकर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। सो हमने टीजर देखा, हमें बड़ा ही पसंद आया, तो हमें सबसे पहले दिल्ली 47 है क्या, उसके बारे में जरा हमें बताएं। एक्चुअली दिल्ली 47 एज अ मूवी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत कम देखने मिलती हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइप के सब्जेक्ट को कभी पिच नहीं करते फॉर मोस्ट ऑफ द रीज़न। सो इट्स अ सच अ नाइस एंड ग्रेट मूवी। एंड आई गेस मतलब अगर मैं इतनी कन्विंस हूँ इस स्टोरी से, तो ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कन्विंस होंगे। सो किस तरह का कैरेक्टर आपका इस फिल्म में? एक्चुअली मेरा कैरेक्टर है जो एक लड़की है जो कभी रूरल एरिया में नहीं गई है, राइट। शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, शी इज़ अ वेरी ब्लंट, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंट है। एंड जो जो हीरो है या जो जो भी कैरेक्टर है उनके साथ में जो रिलेशन है वो बहुत ही ऑनेस्ट है, एंड शी ऑलवेज ट्राई टू होल्ड हिम बैक एंड ट्राई टू जस्ट कन्विंस हिम के लाइफ अच्छी भी हो सकती है। सो इस फिल्म को जब आपके साथ पास ये ऑफर आया, तो आपको क्या सबसे बड़ी खास चीज लगी जो आपने फिल्म के लिए हाँ करा? एक्चुअली अगेन मैं यही बोलूँगी कि फिल्म जो है उसका जो सब्जेक्ट है वुमनहुड पे है। बहुत सारी दुनिया में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं, चिल्ड्रंस पे हैं, वुमन्स पे हैं, प्रॉस्टिट्यूशंस पे हैं, और एक्चुअली जहाँ पे लोगों का ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता है, या हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों से रूबरू तो होते हैं पर हम उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो दिस फिल्म इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग कि एक जो जर्नी है वुमनहुड की, कि भाई आप किस तरह से कठिनाइयों से निकल के आप लाइफ में एक कहीं जाते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिल्ली 47। सो इन पर्सनल लाइफ कभी आपने इस तरह की कोई सिचुएशन देखी है, या कुछ ऐसा आपके साथ का सामने हुआ है कि जो आप रिलेट कर पाए, या उन चीज़ों को देखी है? अगर पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो पर्सनली कभी मैंने इस टाइप की सिचुएशन मैंने देखी नहीं है, बट हाँ हम न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, आजकल जो पूरा जो दुनिया हो गया है दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो मीडिया के थ्रू कितने सारे केसेस हम लोग देखते हैं जिनके लिए अगेन कुछ नहीं होता। तो आई एम रियली हैप्पी कि आई एम डूइंग दिस फिल्म, आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म, कि आप इस तरह की फिल्म में मैं काम कर रही हूँ। एंड अगर 100 लोग भी इंस्पायर्ड होकर अगर अपनी लाइफ में कुछ करते हैं इस टाइप की चीज़ों के लिए, इस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ के लिए, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो शादाब सर के साथ उनके डायरेक्शन में काम करने इसमें कैसा रहा आपका? अमेजिंग रियली, बिकॉज ही इज़ वेरी ऑनेस्ट टू द सब्जेक्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही हैज़ अ विज़न ऑफ थिंग्स के जो भी हम कर रहे हैं, तो एनी अमेजिंगली सपोर्टिव पर्सन आई मस्ट से, एंड टैलेंटेड ऑफ कोर्स, ये तो आप फिल्म देख कर ही आपको पता चल जाएगा। सो मल्टी स्टारर फिल्म है, तो ऑन सेट यस कैसा माहौल रहता था, उसके बारे में कुछ मोमेंट है जो कुछ आप मुझे अपने बताना चाहें? दो सब्जेक्ट ऐसे हैं मूवी का, तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस किए हैं इसके, रियल लोकेशन, रियल थिंग्स आप दिखा रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वे में आप नहीं दिखा सकते, तो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म। तो जब रियलिस्टिक सिनेमा आप बनाने जाते हो तो रियलिज्म में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं
आई मीन और शूटिंग के टाइम पे ऑफ कोर्स द वेदर एंड एवरीथिंग, बट सब लोगों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म के लिए एंड आई जस्ट विश के हम सब आपको कन्विंस कर पाए। मूवी रिलीज होने क्या क्या ये पॉलिटिशियन या ड्रगिंग ये सब चीज़ों कुछ फर्क आएगा ये कुछ मैसेज के थ्रू आना चाहिए मतलब क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है एक साइकिल चलता है लाइक आप जिस टाइप की सिनेमा देखते हो जिस टाइप की फिल्म्स देखते हो कुछ मैं नहीं बोलती यहाँ पर कि अगर 1 लाख लोग फिल्म देख रहे हैं 1000 लोग फिल्म देख रहे हैं तो वो 1000 के 1000 या 1 लाख के 1 लाख वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे नहीं, बट हमारा यहाँ पे ये है कि अगर आप उन 1000 में से या 1 लाख में से या करोड़ों लोगों में से अगर 10 लोग भी इस टॉपिक पे सीरियस होते हैं या अपने लाइफ में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो इट्स अ ग्रेट थिंग। दिल्ली 47 इज रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ऑफ कोर्स जितना भी क्रू है जितने भी लोग हैं हम जुड़े हैं इस फिल्म से एंड इट्स लाइक समवेयर आई वुड से कि ईश्वर के साइड से आपका जो सपोर्ट होता है फिल्म के लिए या चीज़ों के लिए जो मैंने फेल किया है ड्यूरिंग दिस फिल्म तो आई वुड से कि प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म दिस इज रियली अमेजिंग फिल्म एंड इट्स लाइक अ ट्रीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हमने टीजर देखा मैं बड़ा ही पसंद आया जैसा कि तो उसके फिल्म के बारे में जरा बताया क्या है दिल्ली 47 दिल्ली 47 कुछ हमारे समाज में जो बुराइयाँ व्याप्त हैं और जो लोग कानून व्यवस्था के कारण फंस जाते हैं वो पूरी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वो अपनी जीवन को उलझा लेते हैं और उलझते उलझते एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं जहां से जो वन वे है और जहां से कम बैक नहीं हो सकता। सो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सीक्रेसी रखी गई है, मगर मैं एक ड्राइवर प्ले कर रहा हूँ जिसका एक पास्ट है और वो एक कुछ तलाश रहा है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कि वो कुछ खोज रहा है, वो आपको उस कैरेक्टर में नज़र आएगा कि वो चाहता क्या है और वो पहले फ्रेम से ही वो दिखाना शुरू कर देता है कि उसकी लाइफ में कुछ हुआ है और उसको पीस चाहिए, इस चक्कर में वो ड्रग्स भी लेता है अपनी मतलब अपनी चीज़ों को कहीं कहीं मुकाम देने की कोशिश कर रहा है मगर वो समझ में नहीं आ रहा है कुछ मतलब कन्फ्यूज़ आदमी है, फिर एक पॉइंट पर कोई मिलता है उसको देन कहानी मूव करती है।